मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी। अब 2 मई को ना तो चुनावी जीत का जश्न मनेगा ना जुलूस निकलेगा। कोरोना पर सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, मौजूदा संकट पर नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा विकल्प है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 1 महीने के अंदर लगाएंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट। शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए 90 लाख की एफडी तुड़वाई, फ्री में बांट रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने हनुमान चालीसा पढ़कर सभी के लिए मांगी दुआ, कहा इस तूफान से लड़ने की हिम्मत दें। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं। कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोरोना संक्रमित पत्नी और बच्चे से हाथ हिलाकर दूर से हालचाल लिया। कौन है? मंत्री जी ना? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के सेलाकुई स्थित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के हरिद्वार कुंभ मेले के अंतिम शाही स्नान में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, इसमें सभी 13 अखाड़ों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,993 नए मामले सामने आए, वहीं 30,398 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,06,458 है। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी, जिलाधिकारी के दफ्तर अपनी समस्या लेकर पहुंचे डॉक्टर। मैं डॉक्टर मुकेश चंद लक्ष्मी हॉस्पिटल वैशाली से हूं। मैं यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई और इंजेक्शन की कमी के वास्ते यहां से मिलने आया हूं। अस्पताल में कोविड पेशेंट बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ 120 कोविड पेशेंटों का इलाज चल रहा है और सिलेंडर की संख्या जो दूसरों सिलेंडर चाहिए वो 80-70 मिल रहे हैं। इस वास्ते उनकी सप्लाई, पेशेंटों का इलाज नहीं करा जा रहा है। कल से हमने मरीजों का नया एडमिशन बंद कर दिया है क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अभी मीटिंग थी, उनको बताया गया है, उसके बाद उन्होंने कहा रुकेगा, ऑप्शन जो सप्लायर करने वाले उनसे मीटिंग चल रही है, उसके बाद देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलेगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में किसी बात को लेकर नर्स और डॉक्टर के बीच बहसबाजी, नर्स ने पुलिसकर्मी की मौजूदगी में डॉक्टर को जड़ा थप्पड़। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।